मार्च 2022 के अंतिम वीकेंड पर हमने कोलकाता से एक गाड़ी बुक किया और होटल सोनार बांग्ला मंदारमनी के लिए चल पड़े। हमें वहां पहुंचने को करीब 4 घंटे लग गए। वो जगह बे ऑफ बंगाल समुंदर के बिल्कुल करीब था। जैसे ही हम अंदर घुसे, हमें एक सुंदर सा लॉन दिखा। होटल के कमरे आरामदायक थे। बालकनी से हमें अच्छा नजारा दिखने को मिला। हमने सबसे पहले लॉन में टहलने का प्लान बनाया। वहां बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज थे। कुछ घंटे मजे करने के बाद हमने लंच किया। लंच के बाद हमने थोड़ी देर रिलैक्स किया। फिर हम बीच पर घूमने गए। मनमोहक हवाएं चल रही थी। समुंदर में लहरों पे लहर उठ रही थी। बीच में हमें काफी सारी एक्टिविटीज देखने को मिले। कोई बोटिंग की मस्ती ले रहे थे। कोई घुड़सवारी कर रहे थे और बच्चे छोटी गाड़ियों पर चढ़कर खुश लग रहे थे। समुंदर के पास टहलने में हमें अत्यंत आनंद मिला। शाम को हम बालकनी में साथ बैठकर बातें किए और बाहर के दृश्य भी निहारते रहे। अगले दिन हम सनराइज देखने सुबह 5 बजे बीच पहुंचे। भोर का आकाश काफी मनमोहक था। सूर्योदय प्रकट होकर आसमान और पानी को सुनहरे रंग से रंग दिए। हमने सुबह के समुंदर में डुबकी लगाने को सोचा। लहरों से जूझने में हमें बड़ा मजा आया। फ्रेश होकर फिर हम मोहना गए, जहाँ कोई नदी समुंदर से मिलती है। वहाँ के लाल केकड़े देखने में बहुत आकर्षक थे। उसके बाद हम दीघा गए। वहाँ काफी भीड़ थी, इसलिए हमने उड़ीसा के बीच घूमने का प्लान बनाया। रास्ते में हम चंदनेश्वर मंदिर में कुछ देर रुके। वह भगवान शिव का मंदिर है। वहां उड़िया कैलेंडर के नव वर्ष पर धूमधाम से त्योहार मनाया जाता है। फिर हम तालसारी बीच गए। तालसारी
ओडिशा के सबसे शांत बीचों में से एक है। तालसारी एक ओडिया शब्द है जिसका अर्थ है ताल वृक्षों के पत्तों का समूह। वहाँ कुछ अच्छे समय बिताने के पश्चात हमारा सफर खत्म हुआ। हम घर के लिए रवाना हुए, कुछ अनोखी यादें साथ लिए। यदि आपको हमारा ये ट्रैवल वीडियो पसंद आया तो आप कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।